हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी में सफ़ेद पानी आना सही है या गलत, कौन सा सफ़ेद पानी सही होता है आपकी प्रेगनेंसी के लिए, कौन सा गलत होता है, साथ ही साथ ये जो सफ़ेद पानी है वो प्रेगनेंसी में कितनी मात्रा में आना सही होता है, कब ये चालू होता है और कैसे इसको आप ठीक कर सकती हैं। सफ़ेद पानी आना एक बहुत ही हेल्दी प्रेगनेंसी का संकेत भी होता है और एक बहुत ही खतरनाक प्रेगनेंसी का संकेत भी होता है। इसीलिए सफ़ेद पानी को लेकर के सारी जानकारी प्रेग्नेंट महिला को होनी चाहिए ताकि समय पे कोई परेशानी होने वाली रहे, गर्भ के अंदर पल रहे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचे। इसके लिए आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझदारी होनी चाहिए। एक्चुअली में फ्रेंड्स, होता ये है कि सफ़ेद पानी जो होता है ये कई बार लिक्योरिया के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि सफ़ेद पानी आना ये आपके यूट्रस के अंदर से आता है। जब आपको प्रेगनेंसी रुकती है, आपके शरीर के अंदर प्रेगनेंसी के हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जैसे कि कई सारे प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, बीटा एसजी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मेलिन, कई सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं। जब ये प्रेगनेंसी हार्मोन शरीर में बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो स्टार्टिंग के फेज़ में आपको डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा जाने लगता है। इस समय ये डिस्चार्ज जो होता है हल्का गाढ़ा होता है और ये क्रीम कलर का होता है। बेसिकली ये बच्चेदानी के मुंह पर एक लेयर बनाता है जो बाहरी इन्फेक्शन से बच्चे को बचाता है। किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके यूट्रस में पहुँचने से ये रोकता है। साथ ही साथ आपके फ्रेंड्स यूट्रस का या फिर वजाइना का एक सही टेम्परेचर मेंटेन रहे जिससे प्रेगनेंसी सेफ रहे, मिसकैरेज ना हो, सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है आपका वजाइनल डिस्चार्ज। लेकिन फ्रेंड्स, ये वजाइनल डिस्चार्ज जो होता है कई बार इन्फेक्शन के कारण भी बन जाते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर कुछ महिलाओं के जिनमें काफ़ी सारे चेंजेस बहुत ज़्यादा जल्दी आते हैं और हार्मोन्स बढ़ते हैं, उनमें ये डिस्चार्ज जो है वो ज़्यादा भी जाने लगता है। ऐसी कंडीशन में अगर आप अपना केयर नहीं करेंगी, एक प्रॉपर टाइम पर अपनी पैंटीज वगैरह बदलना होता है, इसके अलावा फ्रेंड्स आपको हाइजीन मेंटेन रखना होता है, डिस्चार्ज ज़्यादा जा रहा है तो पैंटी लाइनर लेना स्टार्ट करना पड़ता है और देखना होता है कि आप अपने आपको स्वच्छ रखें। जब भी आप वॉशरूम जाए तो साफ पानी से अपने निचले अंगों को धोएं, तो इस तरह से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो फैलती नहीं है। कई बार ऐसा होता है साफ सफाई के अभाव में इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे यूटीआई या ईस्ट इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। इसमें खुजली अधिक होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको फीवर भी हो सकता है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपका मिसकैरेज हो जाए अगर अंदर तक ये इन्फेक्शन पहुंच जाएगा। इसलिए समझदारी इसी बात में है कि सही जो डिस्चार्ज जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है उसके बारे में आपको पता हो। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स आपको किसी भी प्रकार का स्मेल नहीं आता है, एक फिशी माइल्ड सा स्मेल होता है, साथ ही साथ ये डिस्चार्ज जो है हल्के पीले कलर का होता है यानी क्रीम कलर का, तो फिर फ्रेंड्स ये हेल्दी डिस्चार्ज है। लेकिन फ्रेंड्स अगर इसी के विपरीत ये डिस्चार्ज का कलर काफ़ी ज़्यादा हरे कलर का, लाल कलर का या फिर भूरे रंग का, सिलिटी कलर का, हरे रंग का, इस तरह से दिखाई देने लग जाए तो फिर ये एबनॉर्मल डिस्चार्ज है, इन्फेक्शन का डिस्चार्ज है और साथ ही साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस। इसलिए आपको ऐसा कुछ भी हो, अनइजीनेस फील हो, इस डिस्चार्ज के साथ फीवर आता हो, सर भारी होता हो, चक्कर आते हैं आपको और उल्टियां आती है हद से ज्यादा, तो आप तुरंत से डॉक्टर को कंसल्ट करिए। इसके अलावा फ्रेंड्स ये डिस्चार्ज जो है पूरे 9 महीने की गर्भावस्था में रहता है। आपको ये कभी ज्यादा या कभी कम हो सकता है। आखिरी के कुछ दौर में, जैसे कि आपकी प्रेगनेंसी 9वें महीने में जैसे ही आप ड्यू डेट के आसपास रहती हैं तो ये डिस्चार्ज बढ़ जाता है, क्योंकि बेबी के हेड डाउन की वजह से इस प्रेशर बनता है और ये फिर बाहर निकलने लगता है, रिलीज होने लगता है, क्योंकि उस समय सर्विक्स का मुंह आपका खुलने लगता है। तो उम्मीद करती हूँ इस तरह से आप अपने आप को हेल्दी रखेंगी। अगर कोई प्रश्न है इससे संबंधित तो आप मुझे जरूर मेल कर सकती हैं और मैसेजेस सेंड कर सकती हैं और साथ ही साथ मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकती हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। अपना पूरा ध्यान रखिएगा गाइस, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।